सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिला सोलन के सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभागों द्वारा 2014 से लेकर अभी तक जो पैसा खर्च नहीं किया गया उसको लेकर विस्तार में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अब ये पैसा प्राथमिकता के आधार पर अन्य योजनाओं पर खर्च किया जाएगा ताकि जिला का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकट में विभागों द्वारा अन्य मदों से भी पैसा खर्च किया गया है, उसका ब्यौरा भी विभागों से लिया गया। उन्होंने कहा कि विकास की गति को पैसे की कमी के चलते रुकने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि समीक्षा बैठक में सभी विभागों से जो पैसा योजनाओं में कमियों के चलते खर्च नहीं किया जा सका उसकी सूची मांगी गई थी। विभागों ने उन्हें जानकारी दी कि करीबन 194 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं पर किसी न किसी कमी के चलते खर्च नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि अब ये पैसा नई योजनाएं जो तैयार हैं और किसी भी तरह की उसमें औपचारिकताएं नहीं है उन पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला का विकास करना उनकी प्राथमिकता है और विकास में धन का अभाव ना हो इसके लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। बहुत सी योजनाएं हैं, ये भी आज इस बैठक का जो है वो पक्ष रहा है कि हमारी विभिन्न विभागों की योजनाएं जो इनॉग्रेशन के लिए तैयार है बनकर के जैसी योजनाएं तैयार हो गई हैं उसमें से एक प्रमुख योजना मैं आपको बताना चाहता हूं, 22 करोड़ की लागत से आईपीएच विभाग की दून चुनाव क्षेत्र की एक योजना बनी है जिसमें तकरीबन 16 पंचायतें और 180 से ऊपर गांव जो हैं उसके तहत जो है वो कवर किए गए हैं, तो वो बनकर के तैयार हो गई है। और भी कई ऐसे काम हैं जो कई स्कूल की बिल्डिंग जो है वो बनकर के तैयार हैं, तो उनका इनॉग्रेशन जो है वो शीघ्र जो है वो होना है।